नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों सैमसंग के फोन में आपको एक ऐप मिलता है जो सैमसंग का ही डेवलप किया हुआ है, जिसे कहते हैं वन हैंड ऑपरेशन प्लस। हालांकि इसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आप में से कई लोग इसे यूज नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं और यकीन मानिए जो ऐप है अब पहले से काफी बेहतर हो चुका है। कई सारे इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं, मतलब आप वन स्वाइप से वन जेस्चर का यूज करके अलग अलग जो फंक्शन है उन्हें सेट कर सकते हो। जैसे आप रिसेंट ऐप्स को देख सकते हो, वन स्वाइप में आप एक साथ 13 रिसेंट ऐप्स को देख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंट ऐप्स हम इस तरीके से देखते हैं और आपको यहाँ पे एक व्यू में 2 ही रिसेंट ऐप्स देखने मिलते हैं, लेकिन अगर आप वन एंड ऑपरेशन प्लस का यूज करोगे तो आप रिसेंट ऐप्स को मतलब एक साथ एक ही व्यू में 13 रिसेंट ऐप्स को देख सकते हो। काफी आसान होता है उनके बीच में स्विच करना ऐसे में। और इसके अलावा ये जो क्विक टॉगल्स आप देख रहे हो, इनको एक्सेस करने के लिए आपको स्वाइप करना पड़ता है और फिर आप यहां से उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन आप कमाल देखिए वन हैंड ऑपरेशन प्लस का, बस ऐसे स्वाइप करना है और ये रहा क्विक टॉगल का पैनल, जिसमें आपको ब्राइटनेस स्लाइडर भी मिलता है। इसके अलावा वॉल्यूम पैनल है स्लाइडर वाला, स्टेप वॉल्यूम है, मतलब आप एक स्टेप को कर सकते हो वॉल्यूम अप या डाउन। म्यूजिक कंट्रोल है, वाईफाई, मोबाइल डाटा सब कुछ है यहाँ पे, और आप उस पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो काफी शानदार फीचर है। तो मैंने वन हैंड ऑपरेशन प्लस को मेरे हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है, कौन से स्वाइप करने पे कौन सा फंक्शन ऑन होना चाहिए मैंने सेट किया है। ज्यादा कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, काफी आसान रखा हुआ है। तो मान लो आपने इसे डाउनलोड कर लिया, ठीक है, आपको इसके लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप इसे गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने सेट कैसे किया है, जैसे कि आपको सबसे पहले तो इसे ऑन करना है, ठीक है। अगर ये ऑफ हुआ तो ऑन कीजिए। जो लेफ्ट हैंडल है, लेफ्ट हैंडल मतलब ये आप देख रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंडल पे आप 3 तरीके से स्वाइप कर सकते हो, एक तो स्ट्रेट, एक डायगोनल अप और एक डायगोनल डाउन। सेम वहां पे भी स्ट्रेट राइट, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन। तो लेफ्ट के लिए मैंने स्ट्रेट राइट, इसके लिए बैक रखा हुआ है, तो जब भी मैं ऐसे करूंगा बैक होगा। और डायगोनल अप के लिए जैसे मैं ऐसे करूंगा तो आएगा क्विक टूल्स, और क्विक टूल्स में क्या क्या आपको शो करने हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हालांकि मोबाइल डाटा नहीं है तो आप इसे क्लोज कर सकते हो, क्लोज ऐप को रिमूव करिए और ऐड करिए मोबाइल डाटा को। तो ये रहा मोबाइल डाटा, इसे ऐड कीजिए और आपको इसे अगर ऊपर लेके जाना है तो ऊपर लेके जाइए, वाईफाई के नीचे रखिए। तो हमने इसे रख दिया यहाँ पे, तो अब ये काम करेगा वाईफाई के बाजू में और आपको करना है फिर बैक, ठीक है। तो हमने क्विक टूल्स को ऐड किया है डायगोनल अप में, और मैंने डायगोनल डाउन में रखा हुआ है टास्क स्विचर, और मैं यहाँ पे एक साथ 13 एप्स को देख सकता हूं, तो ऐसे काम करेगा ये। तो ये सेट किया है मैंने लेफ्ट हैंडल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंडल की, तो मैंने सेम रखा हुआ है स्ट्रेट लेफ्ट में, ठीक है, बैक की रखी हुई है, बैक होगा। डायगोनल अप में जैसे मैं ऐसे करूंगा अप, तो होगा फाइंडर सर्च, मतलब आप किसी भी ऐप को सर्च कर सकते हो एक स्वाइप में, फाइंडर सर्च। और डायगोनल डाउन में मैंने रखा हुआ है फुल स्क्रीन डाउन, तो जो स्क्रीन होगी नीचे आ जाएगी, 100 मोड जो एंड्रॉइड 12 में आपको देखने मिलता है, आईफोन में भी देखने मिलता है, उस तरीके से हो जाएगा, फुल स्क्रीन डाउन करना है आपको, ठीक है। बस इतने ही चेंजेस मैंने किए हुए हैं। बाकी यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में आपको एनिमेशन को कर्व लाइन ही रखना है, इसके अलावा लैंडस्केप मोड और जो है बाकी सब वही रखना है। लेकिन आपको अगर किसी गेम में इस फंक्शन का, इस जेस्चर का यूज नहीं करना है तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। तो मान लो मुझे गेमिंग करते हुए इनका यूज नहीं करना है, तो मैं जिन किसी एप्स को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उन एप्स में ये जेस्चर काम नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से उन एप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिन एप्स में आप इन जेस्चर का यूज नहीं करना चाहते। तो बस आपको इतना सिलेक्ट करना है और जेस्चर सेटिंग्स में आपको क्विक एक्शन को ऑन करना है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखोगे ये काम कैसे करेगा। हालांकि अब आपको यहाँ पे शो कर रहे ये हैंडल, लेकिन आपको अब ये शो नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हो। अब मान लो मुझे बैक जाना है तो मैं ऐसे स्वाइप करूंगा या फिर ऐसे स्वाइप करूंगा, ठीक है। तो बैक आपको यहीं पे करना है, जो हैंडल था उसके एरिया में ही आपको बैक करना है। अब मान लो मुझे रिसेंट एप्स को देखना हुआ तो मैं ऐसे स्वाइप करूंगा डायगोनल में, और ये है रिसेंट एप्स, एक साथ आप यहाँ पे 13 एप्स को देख सकते हो, उनके बीच में स्विच कर सकते हो। हालांकि आपको यहाँ पे सभी मिलेंगे, लेकिन एक व्यू में आप 13 एप्स को देख सकते हो। आपको लगता है कि मुझे अब जाना है प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर ओपन कीजिए। इतना ही नहीं, जो ऑप्शंस होते हैं ऐप इन्फो में, जैसे आप लॉन्ग टैप करोगे तो आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे जैसे आपको रिसेंट एप्स में मिलते हैं, ऐप इन्फो, लॉग दिस ऐप, स्प्लिट स्क्रीन, पॉप अप व्यू। इसके अलावा जो शॉर्टकट्स होते हैं ऐप के, वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो।
आप देख सकते हो। और अगर आपको इन्हें क्लोज करना हो तो आप यहां पे क्रॉस के साइन पे टैप करके क्लोज कर सकते हो। अब अगर आपको क्विक टॉगल को एक्सेस करना हुआ तो काफी आसान है, आप कीजिए। ये रहा क्विक टॉगल। जो लोग कहते हैं ना कि एज कंट्रोल सेंटर का कूपन चाहिए, मुझे कूपन चाहिए, तो भाई एज कंट्रोल सेंटर को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे बेहतरीन है। एज कंट्रोल से भी काफी प्रोडक्टिव है, काफी यूजफुल है। एज सेंटर में आपको स्वाइप करना पड़ता है अलग अलग कंट्रोल को एक्सेस करने के लिए, लेकिन यहां पे आपको स्वाइप नहीं करना है, बस एक बार आपको ऐसे करना है स्वाइप और सभी जो ऑप्शन है आपको यहीं पे मिल जाएंगे। स्लाइडर भी है, अच्छे से वर्क करता है ब्राइटनेस के लिए। वॉल्यूम स्लाइडर भी है, वॉल्यूम को अगर आपको एक एक स्टेप से अप डाउन करना है तो वो भी है। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल भी है, वाईफाई, मोबाइल डेटा, या फिर वाइब्रेट करना, साइलेंट करना, प्रोफाइल को चेंज करना, ब्लूटूथ, ऑटो रोटेट, नोटिफिकेशन को डाउन करना, स्क्रीनशॉट लॉक करना अपने फोन को, टॉर्च, डू नॉट डिस्टर्ब, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीन टाइम आउट। तो आप यहां से स्क्रीन टाइम आउट डायरेक्टली सेट कर सकते हो। तो काफी शानदार है, मतलब आपको बस स्वाइप करना है, आपके सारे क्विक टॉगल्स एक ही प्लेस पे यहां पे आ जाएंगे। तो मान लो आप किसी भी ऐप में यूज कर रहे हो, आपको ऊपर जाना नहीं है, बस स्वाइप कीजिए इस तरीके से। और ये रहा क्विक पैनल। अब बात करते हैं राइट साइड में, तो मैंने क्या सेट किया है आपको पता होगा। अगर मुझे मान लो ऐप को सर्च करना हो, मान लो मैं किसी भी ऐप में हूं, अब मुझे किसी दूसरे ऐप को ओपन करना है सर्च करके, तो मैं ऐसे स्वाइप करूंगा और ये है डायरेक्ट सर्च बॉक्स ओपन हो चुका है। आप डायरेक्टली अब यहाँ पे सर्च कर सकते हो आपको जिस किसी ऐप को ओपन करना है उस ऐप को। काफी आसान है, बस आप ऐसे स्वाइप कीजिए, सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि भाई मुझे सर्च करना अच्छा नहीं लगता सैमसंग के फोन में, क्योंकि आपको पहले तो स्वाइप करना पड़ता है, फिर यहाँ पे टैप करना पड़ता है। लेकिन अब आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, बस ऐसे स्वाइप कीजिए और ये रहा फाइंडर सर्च बॉक्स। आप यहाँ पे अपनी फाइल्स या एप्स को सर्च कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों मान लो आपको क्रोम में, यूट्यूब में या फिर प्ले स्टोर में कुछ सर्च करना है, तो आपको पता होगा सर्च बॉक्स ऊपर में होता है, तो आपको ऊपर तक उंगली को अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस सर्च बॉक्स को नीचे कर सकते हो, इस स्क्रीन को नीचे पुल डाउन कर सकते हो। तो हमने जो सेट किया है पुल डाउन स्क्रीन डायगोनल डाउन के लिए, तो आप देखोगे स्क्रीन नीचे आ चुकी है, आप अपने हिसाब से इसे और नीचे लेकर आ सकते हो। तो सर्च बॉक्स जो है नीचे आ चुका है, आप ही से अब सर्च कर सकते हो। तो आप किसी भी स्क्रीन को डाउन कर सकते हो इस तरीके से आप, और इस तरीके से जो साइज है उसे चेंज कर सकते हो। और अगर आपको जो सैमसंग में मिलता है 100 मोड उसमें कन्वर्ट करना है, तो इस पर टैप करना है डॉट पे, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसकी साइज भी फिर यहां से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको वापस नॉर्मल मोड में जाना है तो इस पर टैप कीजिए ब्लैंक एरिया पे, इस तरीके से आप नॉर्मल मोड में आ जाते हो। और आप नोटिस करोगे आपको मिलेगा एक लॉक का आइकन। अब ये जो लॉक है ना अनलॉक है, जैसे कि ये अब लॉक हुआ, अब ये अनलॉक हुआ, अब अनलॉक है तो इसका मतलब क्या होता है आप देख पा रहे हो। जो मेरा फोन है इस तरीके से फुल स्क्रीन में नहीं है, ठीक है, पुल डाउन मैंने किया हुआ है। लेकिन अगर मैं अब प्ले स्टोर को ओपन करूंगा या किसी भी ऐप को, तो जो ऐप होगा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। वापस अगर मैं इसे पुल डाउन करूंगा, अब मैं अगर इसे लॉक करूंगा और अगर मैं किसी ऐप को ओपन करूंगा, तो आप देखोगे अब वो फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होगा। मतलब कि अगर आप इसे लॉक रखते हो तो आप अगर किसी भी ऐप को ओपन करोगे तो इसी तरीके से ओपन होगा पुल डाउन में। अगर आप इसे अनलॉक रखोगे और अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐप को ओपन किया तो वो फुल स्क्रीन में ही ओपन होगा इस तरीके से। तो ये मतलब होता है उस लॉक आइकन का। और जो भी लोग हैं जो बार बार एज कंट्रोल सेंटर का कूपन मांगते हैं, तो उन्हें मैं कहूंगा कि आप इस ऐप को ओपन कीजिए, इसके बाद आपको किसी भी एज कंट्रोल सेंटर को यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये सैमसंग का ही खुद का ऐप है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों तो आप किस तरीके से जेस्चर का यूज कर रहे हो अपने फोन में आप मुझे बता सकते हो। हालांकि मैंने सेट किया है, मैंने आपको बता दिया मैंने कैसे सेट किया हुआ है, तो आपको ये मिलेगा गैलेक्सी स्टोर में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर आपको लगता है कि मुझे अब कुछ समय के लिए इसे यूज नहीं करना है, तो आपको मिलेगा इसका क्विक टॉगल, आपको जाना है एडिट बटन्स में और ये रहा वन हैंड ऑपरेशन प्लस, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, डन कीजिए। अब ये ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ करूंगा तो जो भी जेस्चर्स होंगे वो अब काम नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हो आपके जो नॉर्मल जेस्चर है वही काम करेंगे, लेकिन अगर मुझे इसे ऑन करना हो तो मैं यहाँ पे वन टैप में ऑन कर सकता हूं और आपको पता है फिर वापस जो जेस्चर्स होंगे वो काम करेंगे। इस तरीके से आप जब चाहे तब उसे ऑन ऑफ कर सकते हो यही से। तो काफी अच्छा लगा मुझे कि इसमें आपको क्विक बटन भी मिल जाती है ऑन ऑफ करने के लिए। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।